हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे आप। जैसे कि आज हम अपनी वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं और उसको अनरैप करेंगे, साथ ही साथ जो क्लास टेंथ की है, हमने पिछली वीडियो भी रिव्यू की थी जिसमें शिवदास पब्लिकेशन की जो बुक है साइंस और सोशल साइंस की, बुक का मैंने रिव्यू अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मैथ की बुक को अनरैप और उसका रिव्यू, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स हैं। तो गाइज, अब हम करने वाले हैं अपनी बुक को अनरैप। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको इस तरीके का बंडल मिलने वाला है। ठीक है, अनरैप करेंगे। ये बुक आपको इस तरीके से पैक्ड होगी। पैकिंग खोल लेते हैं इसकी। ठीक है, तो आपको ये बुक जो है इस तरीके से देखने को मिलेगी। साथ ही आपको क्या मिलने वाला है, एक ये ग्रीटिंग मिलने वाला है जिसमें आपका नाम लिखा होगा और वेलकम टू आर वर्ल्ड ऑफ शिवदास बुक्स इस तरीके से ये दिया होगा। ठीक, तो गाइज, अनरैपिंग के बाद अब हम बात करेंगे बुक के बारे में, बुक का कंटेंट कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है पेजेस की। तो जैसे कि अभी ये जो बुक है, ठीक है, तो अगर हम पेजेस की बात करें तो पेजेस इसके जैसे पिछली बुक्स में थे जो हमने साइंस और सोशल साइंस की बात की थी, वैसे ही सेम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है पेजेस की। बात करें अगर कंटेंट में, तो कंटेंट कैसा दिया है, तो सेम पैटर्न है वैसा ही। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलेस दे रखे हैं और NCERT एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो NCERT की जो भी बुक हैं उसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका काम चल जाएगा। टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके आंसर के साथ यानी कि सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें सब कुछ मिलने वाला है। साथ ही जो यूट्यूब वाला फंक्शन था, यानी कि बुक के अंदर किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा है तो आपको करना है केवल QR कोड को स्कैन, जो वहाँ उस पेज पर दिया होगा पर्टिकुलर, वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आगे एक कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें MCQ, असर्शन, रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है आपके लिए, चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है सारा का सारा। ठीक है, और जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस ऑफ CBSE, ठीक है, NCERT रेशनलाइज गाइडलाइन 2022-23 का है। ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्स पेज की बात करूँ तो 15 चैप्टर्स हैं और वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस आता है, ठीक है, सर्किल, एरिया रिलेटेड सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये 15 चैप्टर हैं। और इसमें ये किताब उन कैंडिडेट के लिए अच्छी है जो किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सपोज़ आप ग्रुप सी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट का हो, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है। जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के मेरे जानने वाले हैं या जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो इस बुक को ज़रूर फॉलो करें। बाकी इसमें एक चीज़ और अच्छी दी है, चैप्टर वाइज आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से जो चीज़ है वो NCERT ने डिलीट की है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आपको दिख रहा होगा, रियल नंबर है, तो रियल नंबर के सामने उसमें कौन सी एक्सरसाइज उन्होंने डिलीट की है NCERT ने, वो इसमें मेंशन है। ठीक है, तो 15 के 15 चैप्टर का सीधा ये आपको दे रखा है इस तरीके से इंडेक्स। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया कि आपको पिछली बुकों में भी, कि उसमें जो भी मटेरियल होता है उस चैप्टर के रिगार्डिंग वो आपको मिलता है, तो ऐसे ही यहाँ रियल नंबर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में सब आपको बताया गया कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी और फार्मूलेज इसके अंदर स्टार्टिंग में दिए हैं। देन उसके बाद जो NCERT की एक्सरसाइज है वो विद सॉल्यूशन के साथ ये आपको मिलने वाली है।
ठीक है। अब सपोज करो कि आपको कुछ सॉल्यूशन जो है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है, ये जो इस आपको बारकोड दिख रहा है यहाँ आपको करना है स्कैन। तो जैसे ही स्कैन करेंगे आप देखेंगे साइड में जो वीडियो चल रही है उस तरीके से आपको वीडियो का लिंक ओपन होगा, और लिंक ओपन के बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का स्टूडेंट सॉल्यूशन कैसे आपको हैं आप मिल लोग, जाएगा। तो ये बहुत ही तो अच्छी है, मतलब यूज करता हूँ होता आपको। क्या है कि आज सॉल्यूशन स्टार्ट तो बुक करने में होता वाले है बट कभी कभी सेशन लगता है कि ये चीज़ केमिकल कहाँ से रिएक्शंस आ गई, एंड क्योंकि इक्वेशंस वो के, किताब केमिकल बोलती थोड़ी ना है, किताब समझाती इक्वेशंस थोड़ी ना, बायोलॉजी केवल के लिए सॉल्यूशन हूँ। देगी। तो वीडियो क्या है आपको वेन श्योर समझाएगी, आप वीडियो में हमारा टीचर जो हैं वो हमारा आपको सेशन उस जो हमारा क्वेश्चन क्विज का जो जो है है वो हमें एक्सप्लेनेशन करेंगे सिखाएंगे और बताएंगे कि कोई चीज़ कहाँ से कैसे आ रही है या फिर किसी चीज़ को किस तरीके से किया गया है। ठीक, तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है, और ये चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हों या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के जो हैं एस्पेरेंट्स हों उनके लिए बहुत ही अच्छी है। मैथ जिनका आता है बेसिक, क्योंकि हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ग्रुप सी के जितने भी हैं या फिर आगे भी चाहे SSC के एग्ज़ाम हों उसमें जो है बेसिक तो अगर आपको क्लियर करना है तो इस किताब को लेना ज़रूरी है, आपको इस किताब को ज़रूर लें। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। इसके बाद NCERT के बाद इन्होंने क्या किया है, सब्जेक्टिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, यानी कि अगर आपका कोई वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है यानी कि 1 मार्क्स का तो वो दे रखा है, फिर शॉर्ट आंसर है, फिर शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स में आते हैं वो है, फिर इसके बाद जो लॉन्ग आंसर होता है यानी कि 4 मार्क्स में जो आएगा वो दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इन्होंने कैसे टॉपिक वाइज किए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले ऊपर दिख रहा है HCF एंड LCM, ठीक है, उसके जितने भी शॉर्ट आंसर हो या फिर वेरी शॉर्ट हो वो दे रखे हैं। देन उसके बाद जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देन इरेशनल नंबर, सारे टॉपिक वाइज और उसके शॉर्ट आंसर, देन लास्ट में इन्होंने सॉल्यूशन दिया है उन सब क्वेश्चंस का। और अप्रोक्स ये जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको, 31 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको MCQ में 4 ऑप्शन के साथ ये मिलने वाले हैं। जिस तरीके से आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, आपको जो सही है वो टिक करना होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, तो 25 क्वेश्चन है कंपटेंसी में, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है इसमें भी 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं, देन उसके आंसर दे रखा है, और लास्ट में जो NCERT का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पलर होता है प्रॉब्लम्स उसको दिया है, और ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन दे रखा है, देन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है एज यू कैन सी डैट। ओके, तो इस तरीके से ये पहला चैप्टर जो है वो एंड हो गया। ठीक है, तो सारा ही ये पैटर्न बिल्कुल सेम आगे के चैप्टर में हेलो भी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फॉलो तो किया गया है। पेजेस उम्मीद करता हूँ की आप बात अच्छे करें होंगे। तो तो आज पेजेस हम इसके स्टार्ट अंदर करने हैं थ्री वाले हंड्रेड हैं नाइन्टी टू केमिकल अगर हम इसके रिएक्शंस रेट की बात इक्वेशंस करें तो के, 600 का है आई थिंक। केमिकल अभी इक्वेशंस अगर के आप पर्टिकुलर इसको टॉपिक के लिए नीचे दिए तो गए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से वेरी खरीदेंगे तो श्योर ये आंसर 600 टाइप से के कम क्वेश्चन में आप पड़ेगी बता सकते आपको। हैं। उनको ठीक है, हमारा तो आप पेज वहाँ पर से फॉलो चेक कर करना सकते हैं, है। बट डिस्क्रिप्शन में ओके इसका परचेज करने का लिंक दे दूंगा आपको। ठीक, तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 out of 5, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको सॉल्यूशन मिलता है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, साथ ही आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है ताकि आपको और बेटर समझ में आए वो चीज़ के किस तरीके से कोई चीज़ हो रही है। और लास्ट में एक बार फिर से बोलूँगा कि जो भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम के एस्पेरेंट हैं वो बेसिक से अगर मैथ पढ़ना है उनको तो ये बुक ज़रूर परचेज़ करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।